वाला ना मेरी आज तलाश खत्म होगी मुझे ये वाला इसकी फ्रेग्रेंस मतलब ठीक लगी मुझे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज मैं आप लोगों के साथ ना नायका का एक हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ एज यू गाइस ऑलरेडी नो इस बार ना के ब्यूटी के कुछ न्यू लॉन्चेस परचेज किए हैं मैंने कुछ परफ्यूम्स परचेज किए हैं नायका के जो न्यूली uh, लॉन्च है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ज्यादा बड़ा हॉल नहीं है लेकिन बहुत मिनी भी नहीं है चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एम कटार्ट ऑफ विद माई फेवरेट थिंग अभी आज ही सुबह मेरे पास ये सभी प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं अभी मैं वीडियो बना रही हूँ एंड दिस इज नायका का सॉरी दिस इज नायका का लव स्ट्रक परफ्यूम ठीक है यस दिस इज अ परफ्यूम ना एंड लाइक आई एम टोटली लविंग दिस प्रोडक्ट अभी मैंने इसको सुबह ही यूज़ कर लिया था आते ही एंड मैंने लिया है अपने लिए स्किप अपीट यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक यू कैन सी ठीक है तो इसकी एम आर पी इज़ लाइक सेवन हंड्रेड रुपीज़ है सिक्स नाइन नाइन इसके ऊपर मुझे कोई ऑफ नहीं मिला लेकिन मुझे मतलब ट्राई करना था इस परफ्यूम को अभी रिसेंटली ही लॉन्च की उन्होंने अपने आई थिंक छः सात इसमें आपको वेरियंट मिल जाते हैं एंड जस्ट लुक एट द इनर पैकेजिंग दिस इज़ सो क्यूट You can see this is so cute ठीक है और इसकी फ्रेगरेंस इज इस ऑसम मतलब इसका जो आ, नाम है स्किप अ बीट एंड डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ओह माय गॉड इट इज सो रिफ्रेशिंग ठीक है ये वाला वेरिएंट जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं है लेकिन एक रिफ्रेशिंग सी आपको फील देता है 5 छः घंटे आराम से लास्ट करता है पैकेजिंग कुछ इस तरह की इन्होंने रखी है अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है ना बहुत ज़्यादा बजट में आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो बिकॉज पैकेजिंग इज सुपर क्यूट एंड ये लास्ट भी बहुत अच्छे से पाँच छः घंटे करते हैं तो आपको एक वर्थफुल भी आप कह सकते हो वर्थ बाइंग भी बोल सकते हो एंड फ्रेग्रेंसेज आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो अगर आपके शहर में नायका का स्टोर है देन आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा बिकॉज पाँच छः सात फ्रेगरेंसेज में अलग अलग से आप पिक कर सकते हो स्किप अब बेट इज़ माई पर्सनल फेवरेट इससे पहले नायका का मोए बाय नायका का मैटनी या मैटिन ऐसा कुछ है वो मैं ट्राई करती हूँ मतलब यूज करती हूँ उसको एंड डेफिनेटली आपको वो भी रेकमेंड करूंगी ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको ट्राई करना है ना नायका का स्टेप अ बीट इफ यू आर लाइक लवर ऑफ वेरी माइल्ड एंड वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस देन गो फॉर दिस सो नेक्स्ट भी मैंने नायका का परफ्यूम लिया है दिस इज मिनी वाला परफ्यूम मसाबा बाय नायका जो मसाबा की कोलेब्रेशन है मोए बर्न बेब ठीक है ये वाली कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग है एंड इसका प्राइस है टू नाइन नाइन इसमें भी कोई ऑफ नहीं मिला है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक यू कैन सी ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है सिमिलर जैसे मोयबा नायका की वो वाली आपको मिल जाते हैं परफ्यूम्स सिंगल वाले और uh, मिनी वाले वैसा ही है सिमिलर बस ये मसाबा वाले कोलेब्रेशन वाले हैं एंड इसकी फ्रेगरेंस मतलब ठीक लगी मुझे बर्न बेब मतलब ये ना एक्चुअल में ऐसी एक बर्निंग सी फ्रेग्रेंस है लाइक कुछ लोग शायद इसको अगरबत्ती की खुशबू बोल सकते हैं शायद आई डोंट नो बट अभी मैं इसको ट्राई करूँगी तभी आपको अपना लास्ट मतलब रिव्यू आप लोगों को साथ शेयर करूंगी बाकी अभी तो मुझे खास पसंद नहीं है थोड़ी सी स्वीट है थोड़ी सी बर्निंग है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट इट्स लाइक अ बर्न वे इज़ अ एनिमल हु बिलीव्स इन टर्निंग एवरी इन टू एशियज ओपनिंग विद इन चेंटिंग ओरिएटल एंड वुडी सेंट द फ्रेगरेंस क्रिएट्स अ पावरफुल और यस इट्स अ पावरफुल फ्रेगरेंस इट फाइल से इन वन सेंटेंस दिस इज अ पावरफुल फ्रेगरेंस ओके सो नायका से कुछ परचेजिंग करने के बाद नायका के कुछ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करने के बाद मुझे नायका की ये वनडप ये लिपस्टिक मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है कुशन लिपस्टिक एंड इसको भी मैंने अप्लाई किया था ये ब्लेस्ड शेड में आई थिंक ये एट नाइन नाइन या सेवन नाइन नाइन इसकी एमआरपी है एंड ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक ये थोड़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है तो so, उसके बाद मैंने अभी परचेजिंग की है के बाय कटरीना से जो अभी उसके रिसेंटली उसके नहीं उनके रिसेंटली न्यूली लॉन्च है दिस इज़ के बाय कटरीना का ब्लश uh, ठीक है इसको तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम हो चुका है मैट ब्लश इन रिच विद एवोकाडो प्लस मैंगो बटर एंड ये कॉस्ट करता है सेवन नाइन नाइन का एंड अगेन एक मैट कॉम्पैक्ट इस बार उन्होंने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया एक दो दिन पहले ही लॉन्च किए हैं एंड मैंने अपने लिए शेड लिया है टेन यू कैन सी विच इज़ वेरी अ वेरी परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन मुझे इनका बिकॉज जब आप स्क्रोल करोगे तो आपको अंडरटोन अपना पता चल जाएगा तो मैंने येलो अंडरटोन में अपने लिए लिया है एंड सिमिलरली uh, वैसे ही पैकेजिंग है जैसी ऑलमोस्ट चलती आ रही है क, के बाय कैटरीना के पैकेजिंग्स एंड नाइन ग्राम प्रोडक्ट की आपको क्वान्टिटी इसमें मिल जाती है आज मैंने अप्लाई भी किया है इस कॉम्पैक्ट को एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इनर साइड आप देख सकते हैं बट एक कौन है इस फाउंड कॉम्पैक्ट uh, का विच इसके साथ कोई भी क्या बोलते हो उसको पफ या कॉम्पैक्ट स्पॉन्ज कुछ भी नहीं मिलता है नाइन टू फाइव लाइक लैक्मे का आप परचेज करते हो जो आपको वो नहीं है फाउंडेशन प्लस कॉम्पैक्ट उसमें आपको कितनी अच्छी स्पॉन्ज मिलती है हर कॉम्पैक्ट में आपको चाहे बुरी मिले चाहे अच्छी क्वालिटी की मिले स्पॉन्ज मिलती है इसमें आपको कोई भी स्पॉन्ज नहीं मिलती है विच इज़ वेरी बिग कॉन आई आई वु से बिकॉज कि सेवन नाइन नाइन इट्स नॉट अ अफोर्डेबल प्राइस फॉर अ कॉम्पैक्ट बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है सस्ता नहीं है लेकिन एक Uh, इसके साथ मुझे एक पफ़ की ज़रूरत लगी है बिकॉज समटाइम ट्रैवलिंग में हम इसको ले जाएं तो हमें अलग से एक ब्रश कैरी करना पड़ेगा विच इज़ नॉट आई थिंक प्रैक्टिकल तो इसके साथ आई थिंक थोड़ा सा एक पफ होना एक पफ होना चाहिए था जिसके साथ इफ़ वी हैव टू टच अप करना है हमें तो हमें uh, अलग से कुछ कैरी करना पड़ेगा विच इज़ वेरी मतलब एक मेजर वाला कॉन मैं बोलूँगी अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी पफ नहीं मिलेगा पौज या पफ कुछ नहीं मिलेगा तो ये मैंने लिया है मैट ब्लश इसमें भी आपको शेड्स uh, काफ़ी मिल जाते हैं आई थिंक कॉम्पैक्ट में आपको टेन शेड्स में ये लॉन्च हुआ है एंड ये कुछ ऐसा ब्लश इसका ऐसा दिखता है एंड इसमें आई थिंक छः सात आपको शेड मिल जाते हैं एंड मैंने अपने लिए शेड लिया है कोरल चाम यू कैन सी दिस इज़ द शेड कोरल चाम काफ़ी अच्छा है एज मैंने यू कैन सी अपनी चीज के ऊपर अप्लाई भी किया हुआ है एंड दिस इज़ द इनर पैकेजिंग लेट मी जस्ट शो यू यू कैन सी कुछ ऐसा है एंड ये प्रॉपर मैट है कोई भी इनमें ग्लिटर चंकी पार्टिकल्स कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज़ अगेन वेरी गुड बाद मैंने यहाँ पे लिया है के बाय कटरीना का ही आई स्टाइलिस लिक्विड आईलाइनर लाइनर विद कैमोमाइल एंड यूको लिप्ट एक्सट्रैक्ट यू कैन सी ऐसा ग्रीन कलर का ये मैंने परचेज करना नहीं था तो क्या था कि कुछ परचेज एटीन हंड्रेड रुपीज़ की परचेजिंग के ऊपर आपको आ, लिप टॉप पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था तो मेरी कुछ ही मतलब परचेजिंग मेरी दो तीन सौ ही मेरे कम पड़ रहे थे उसमें तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया और मैंने कहा सोचा कि चलो ट्राई कर लेंगे एंड ग्रीन कलर मैंने इसमें लिया है दिस इज अ लिक्विड लाइनर दिस इज इन चिक एमरल्ड एंड ये थ्री फोर्टी नाइन और थ्री फिफ्टी का मे को मिला है आफ्टर डिस्काउंट इस परचेजिंग के ऊपर इसके साथ मुझे ये लिप टॉप पर इफ़ आई एम ये मैक्स ट्रो ये लिप टॉप पर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है एंड ये प्रोडक्ट ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया आई डोंट नो ये मुझे समझ नहीं आया बिकॉज uh, ये लिप टॉप पर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा मुझे मतलब किसी भी तरह से नहीं लग रहा यू कैन सी ऐसा छोटू सा है एंड इसका इनप अगर मैं अप्लीकेटर की बात करूँ यू कैन सी कुछ इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह का दिखता है मतलब लिप्स के ऊपर गोल्डन कलर का लिप टॉपर कौन लगाता है मतलब आई डोंट नो थैंकफुली मैंने तो परचेज नहीं किया है इसको आई शेडो कि जैसे मैं यूज करूँगी डेफिनेटली तो ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला फ्रॉम की ब्यूटी ओके सो लास्टली मैंने परचेज किए हैं मे की ये कॉफी एडिशन लिपस्टिक लिमिटेड एडिशन आ, दिस सुपर स्टे मैटिंग कॉफी एडिशन ठीक है और दोनों ही शेड बेहद प्यारे हैं बेहद मतलब चार शेड्स में लॉन्च हुए हैं दो शेड अगर आप मेरी स्किन टाइप के हो मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग आपकी स्किन टोन है गो फॉर दीज शेड्स दीज आर लाइक टोटल लव आ, मोका इनवेंटर एंड कोनाइजर कुछ ऐसा ही नहीं मैं तो डेफिनेटली आपको ट्राई करने चाहिए ये मैट इंक जो उनकी सुपर इंक सुपर स्टे मैट इंक है वो वाली लिपस्टिक्स है एंड फ्रेगरेंस तो बिल्कुल डार्क चॉकलेट की है मतलब माउथ वाटरिंग लुकिंग फॉर दिसग्रेंस तो इतनी ज्यादा डिलीशियस है ना आई कॉन्ट टेल यू बहुत ही ज्यादा ओके okay, so सो यही था मीनीसा नायका का शॉपिंग हॉल वीडियो आई होप आप लोग होगा इस्लीज डॉट फॉर गेट टू लाइक